अभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं और हमें सौभाग्य मिला है कि हमारी आंखों के सामने हमें दिव्य भव्य राम मंदिर की शिलान्यास भूमि पूजन में सम्मिलित होने का ये अवसर, जिसकी प्रतीक्षा हम लगभग 500 वर्ष से कर रहे थे और हजारों वर्षों की प्रतीक्षा हमारी एक तरह से पूरी हुई है। इसके लिए राष्ट्र के गौरव आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको आज हमें श्रद्धेय कहने का भी इस रूप में मन कर रहा है कि हमारे श्रद्धेय, हमारे परम पूज्य, हमारे परम वंदनीय, हमारे आराध्य श्याम का उन्होंने यह जो दिव्य भव्य मंदिर बनाने का जो सपना था, उन करोड़ों करोड़ों लोगों के सपने को साकार करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई। श्री अमित शाह जी, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उन्होंने जिस तरह से इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए कानून व्यवस्था बनाने से लेकर के और उनके उनके भीतर मन प्राण आत्मा में जो हिंदुत्व का सपना है, जो एक राष्ट्र धर्म का सपना है, एक मानव धर्म का सपना है, उसको साकार करने के लिए इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। जिन संतों ने, राम सेवकों ने तप किया और उसके लिए संघ ने और विश्व हिंदू परिषद से लेकर के हमारे महापुरुषों ने, पूज्य संतों ने जो भूमिका निभाई, उनके तप को प्रणाम करते हुए आज हम प्रस्थान कर रहे हैं अयोध्या के लिए। और राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो धर्म के, संस्कृति के, मर्यादा के और दिव्यता के एक जीवंत विग्रह है। और राम केवल मात्र भारतवासियों के लिए नहीं, पूरे विश्ववासियों के लिए एक आदर्श है। और इस रूप में राम को पूरे राष्ट्र ही नहीं, पूरे विश्व को नमन करना चाहिए और वो विश्व के लिए युगों युगों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। शेष बातें अयोध्या जाकर के करेंगे। Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.